सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। दोस्तों यहां पे जो चीज है ना, ये पिछले कुछ दिनों से, कुछ भी क्या बोलूं, सिर्फ बस दो ही दिनों से काफी ज्यादा एकदम गर्मा गर्म चर्चा में बनी हुई है। दोस्तों सभी लोग कर रहे हैं इंतजार कि गेम बस जल्दी से इंडिया में आए, हम इस गेम को खेलना शुरू कर दें। मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, कुछ खास प्राइवेसी पॉलिसीज के बारे में, जहां दोस्तों आपको खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है अगर आप इंतजार कर रहे हैं और अगर आप खेलना चाहते हैं इसी ने बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को ना बस जल्दी से लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बस मैं भी यही चाहता हूँ जो आप चाहते हो कि यार बस गेम जो है वो जल्दी से इंडिया में आए और बिना किसी झंझट के हम इस गेम को खेल पाए। दोस्तों ऐसे में पिछले साल जो बैन हुआ था पबजी का, वेरियस फैक्टर्स थे बहुत दोस्तों, सारे तरह तरह के रीजंस थे। अब यहाँ पे उसको दोस्तों चाहे वो चाइनीज लिंक हो टेंसेंट के साथ में, चाहे हम बात दोस्तों करें तो उसके बाद में एडिक्शन एक पॉइंट निकल के आया था गेम में, दोस्तों जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो एक पॉइंट निकल के आया था, या फिर दोस्तों सबसे बात करता हूँ अगर यूजर डेटा प्राइवेसी की तो वो भी एक पॉइंट निकल के आया था। मतलब मल्टीपल फैक्टर्स थे और फिर उन्होंने देखा पबजी को इंडिया में बैन कर दिया। अभी दोस्तों यहाँ पे इस बार जो हम नया देख रहे हैं इंडिया में, एक फ्रेश गेम क्राफ्टिंग की तरफ से बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, यहाँ पे जो इनकी दोस्तों वेबसाइट है, अभी ठीक है टीजर वगैरह एक अलग बात है, लेकिन इन्होंने एक दोस्तों प्रॉपर डिटेल अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी है ना वो मेंशन की गई है। और यहाँ पर दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यार इस बार जो प्लानिंग है ना वो लगता है कि एकदम कंप्लीट करी है कि कोई झंझट ना हो और हम बड़े आराम से खेल पाए इसी नए गेम को। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हमसे बात करते हैं तो शुरुआत करते हुए कि यार ये डेटा जो है वो कौन कौन सा कलेक्ट करेंगे, तो उन्होंने क्लियरली लिखा है कि ये डायरेक्टली आपसे कोई भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, यहाँ पे जो इनडायरेक्टली दोस्तों ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन जो ली जाती है वो आपके डिवाइस के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि भाई आपका जो OS वर्जन है वो कौन सा है, या आपकी रो क्या सेटिंग्स वगैरह चल रही हैं, आप कैसे किन सेटिंग्स पे गेम वगैरह खेल रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आपका IP एड्रेस क्या है, और या फिर जब दोस्तों आप साइट या सर्विसेज यूज करें तो उस टाइम आपका ब्राउजिंग बिहेवियर क्या है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है ये नॉर्मल है, ये दोस्तों जो है ये काम में लेते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये इनकी मदद से जो मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद में ये दोस्तों इनकी खुद की क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंप्रूव करने के लिए है, या फिर जो यूजेज पैटर्न्स वगैरह हैं उनको ट्रैक करने के लिए। ये नॉर्मल दोस्तों किसी भी ऐप के लिए होगा, इसमें कुछ ऐसा मतलब ना वो नहीं है जिसको लेकर हमको चिंता करनी हो। आगे जो बात है दोस्तों जो इस बार क्लियरली लिखी है यहां पे कि ये पहली बात जो डेटा सर्वर्स हैं वो कहाँ पे होंगे, बिकॉज सबसे बड़ी बात ये थी कि जो इंडियन यूजर्स का डेटा है वो कहाँ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियरली लिखा है कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपकी वो स्टोर और प्रोसेस जो होगी वो होगी सर्वर्स में जिनकी लोकेशन है इंडिया और सिंगापुर में। अगर इनको कभी किसी और कंट्री या रीजन में दोस्तों ट्रांसफ़र करनी पड़ती है किसी लीगल रिक्वायरमेंट्स वगैरह की वजह से, तो यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है वो एकदम उसी लेवल की दी जाएगी जिस लेवल की इंडिया में मिलती है उस डेटा को। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ एकदम क्लियरली मेंशन कर दी है। साथ में हमसे बात करता हूँ तो एक और चीज़ जो निकल के आती है वो है सबसे खास अंडर एज यूज़र्स के लिए। अगर आपकी उम्र 18 साल की नहीं है तो क्या होगा अगर आप बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खेलते हैं। तो यहां पर दोस्तों क्लियरली लिखा है कि भाई जिनकी एज 18 से कम है, बेसिकली मतलब आपको क्या है, आपके पेरेंट या गार्डियन ने दोस्तों मोबाइल नंबर देना होगा, और डेफिनेटली जो है ये मोबाइल नंबर का मतलब सिर्फ नंबर देना नहीं होगा, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एक वेरिफिकेशन होगा OTP वगैरह का, उसके बाद आप गेम को खेल पाएंगे। और अगर आप अति कर देते हैं, अगर आप गेम खेलते रहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों अभी पेरेंट या गार्डियन जो है उनके पास में ये ऑप्शन है कि वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनके चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके सिस्टम से डिलीट कर दी जाए, और वो डिलीट कर दी जाएगी। अब वो कैसे क्या प्रोसेस होगा वो दोस्तों क्या डिटेल्स नहीं है यहाँ पे इतना, ऑफकोर्स एक कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा उसके बाद में जो भी स्टेप्स होंगे, लेकिन यहाँ पे क्लियरली ये है अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आपको नंबर देना पड़ेगा और वेरिफिकेशन वगैरह होगा, और उसके बाद में फिर आप गेम वगैरह खेलेंगे जो भी सीन होगा। अब ऐसे में कौन सा नंबर देगा, कौन किसका रियल पेरेंट है गार्डियन है, वो सब सेपरेट है, बट हाँ एटलीस्ट एक मेजर लिया गया है यहाँ पे, बिकॉज लास्ट ईयर दोस्तों बात यही थी ना कि जो खबर निकल गई थी फॉर एग्जाम्पल पंजाब की न्यूज़ थी जहाँ पे 16 लाख रुपये की सेविंग्स जो थी अपने घर पे किसी ने अपने पेरेंट्स के अकाउंट से निकाल दिया, सारा खर्चा कर दिया पबजी में। तो इस बार यहाँ पे उसके ऊपर भी काफी जो है वो काबू किया जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा आया और सीधा पबजी भैया एक दिन में कहीं किसी का कार्ड हाथ लग गया और कर दिए खर्चे भयंकर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में, तो वो नहीं होने वाला है। पर डे की जो लिमिट होने वाली है ना गेम प्ले की वो है 3 घंटे की, और पर डे की जो स्पेंडिंग लिमिट होने वाली है वो है 7,000 रुपए।
मतलब झटका कम ही लगेगा, ऐसे वो एक दिन में 16 लाख रुपये उड़ा दिए, वो वाली कहानी नहीं होने वाली है। साथ में यहाँ पर दोस्तों नीचे जो सिक्योरिटी वगैरह के बारे में बातें हैं वो क्लियरली लिखी गई हैं, और मजे की बात कि यहाँ पर दोस्तों जो अभी एड्रेस दिया गया है क्लियरली वो इन्होंने एक ग्रीवियंस ऑफिसर की इन्फॉर्मेशन भी दी है हमको, जो कि कोरिया बेस्ड दोस्तों यहाँ पे ये जो हैं एक ऑफिसर हैं, और अभी इसमें कोई चाइनीज लिंक नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिंपल क्राफ्टन, और क्राफ्टन कोरियन कंपनी, क्राफ्टन का एक गेम नया फ्रेश ब्रांड न्यू बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। तो यार यहाँ पे जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसका सामने आना बहुत एक ऐसा एकदम इतना क्लियरली डिफाइंड ये बताता है कि अभी इस गेम के लॉन्च के टाइम पे, अब जब भी दोस्तों इसकी प्री रजिस्ट्रेशन जो है वो लगता है जल्दी शुरू हो जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। फ्रेश अप्रोच और बिल्कुल एकदम चीज़ें अगर फ्रेश रहती हैं इस बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में, बिकॉज जो टीज़र देख के लग रहा है वो भी काफ़ी यू नो इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। तो ऐसा अब यहाँ पे जो गेम है वो शायद दोस्तों इंडिया के लिए स्पेसिफिकली ट्यून किया गया होगा, और फाइनली हम देख पाएंगे इंडिया में बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को। आप दोस्तों बताइए कि आप इसके लिए कितना एक्साइटेड हैं, आपका क्या कहना है, और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसी गेम आता है वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों बस फिलहाल इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।